हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़े कुछ ऐसे बातों के बारे में बताने जा रही हूँ जो शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता हो, या इसके बारे में ज़्यादा चर्चा ना होने के कारण आप में से बहुत लोग अपने वेट लॉस गोल को इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू अचीव नहीं कर पाते और बहुतों के लिए वेट लॉस एक सपना ही रह जाता है। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान किए जाने वाले गलतियों को आप मेरे बताए हुए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर सुधार सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे साथ जानिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान किए जाने वाले कुछ कॉमन मिस्टेक्स। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्थ और सौंदर्य से जुड़े वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि डोंट मूव टू फास्ट। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं 16:8 मेथड से, जो कि स्टैंडर्ड मेथड होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो आपको इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी बॉडी 16:8 मेथड को शायद कोप अप ना कर पाए। आपकी बॉडी हो सकता है दोस्तों ओवरबर्डन फील करेगी। अचानक से बदलाव किसी को भी अच्छे नहीं लगते। हमारी लाइफ की तरह हमारी बॉडी को भी अजीब फील होता है जब उसमें अचानक से बदलाव होते हैं, जैसे कि जब हम उसे अचानक से बहुत लंबे टाइम के लिए खाना देना बंद कर देते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहती हूँ कि यू मस्ट मूव ग्रेजुअली टुवर्ड्स योर गोल रादर देन मूविंग टू फास्ट। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, अपने शरीर की सुने। आप जो भी विंडो चूज करते हैं आप अपने शरीर की ज़रूर सुने। आपको ज़रा भी अगर थकान या वीकनेस लगती है तो आप समझ जाइए कि ये विंडो आपने जो चूज़ किया है वो सही नहीं है। शायद आपको अपने गोल में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको अपने वेट लॉस गोल की तरफ ग्रेजुअली मूव करना चाहिए। जल्दबाजी के चक्कर में अपने शरीर को तकलीफ ना दें। वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का 16:8 विंडो ही अपनाना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। वुमेंस के लिए तो 14:10 भी एनफ है। फ्रेंड्स, यू मस्ट इंक्लूड रफेज इन योर डाइट। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में हाई फाइबर फूड्स को ऐड करें। आप अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड करें। जितना हो सके आप जंक्स एंड अनप्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके सेहत के लिए सही नहीं है। और साथ ही ये सारी चीज़ें वेट गेन को बढ़ावा देती है, ना कि वेट लॉस को। अपने डाइट का सही चुनाव करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए कि आप एक बैलेंस डाइट लें। इससे आपके बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो मिलती रहेगी और आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप अपने वर्कआउट रूटीन को आइदर ईटिंग विंडो में रखें या ईटिंग विंडो के आसपास रखें। फास्टिंग के दौरान आप हाई इंटेंसिटी वाले वर्कआउट ना करें। इससे आपकी बॉडी एग्जॉस्ट फील करेगी और इससे आपके बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लाइट वेट एक्सरसाइजेज जैसे योगा, वॉकिंग आप फास्टिंग के दौरान कर सकते हैं, पर दोस्तों टाइम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेक श्योर एक्सरसाइजेज की ड्यूरेशन उतनी ही हो जिससे आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड फील ना करे। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आप एक सही विंडो का चयन करें। हर इंसान का एक प्राइम टाइम होता है। मेक श्योर उस प्राइम टाइम को आप सही तरह से चूज़ करें। कई लोगों के लिए ब्रेकफास्ट सही विंडो होता है, कई लोगों के लिए लंच, तो कई लोगों के लिए डिनर। तो मेक श्योर आप अपने एक्टिविटी लेवल को ध्यान में रखते हुए ही अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के विंडो को चूज़ करें। एक करेंट पोर्शन ऑफ मील खाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। करेक्ट टाइम एंड करेंट अमाउंट ऑफ मील्स बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप सारा दिन नहीं खाते हैं और एक ही बार ढेर सारा खाना खा जाते हैं तो वो जितना कैलोरी आपने बर्न किया वो उतना ही वापस आ जाएगा। वैसे ही अगर आप सारे टाइम का मील्स लेते हैं मगर भर भर कर खाना खा लेते हैं तो वो भी इक्वली गलत है। वेट लॉस तो दूर, दोस्तों वेट गेन ज़रूर हो जाएगा। इसीलिए आपको चाहिए कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान अपने फूड पोर्शन को कम करें, छोटे छोटे मील्स लें और ओवर ईटिंग से बचें। बहुत लोग डाइट से सोचते हैं कि हम कम कैलोरीज वाले फूड्स खाएं। कई लोग कई तरह के डाइट्स अपना लेते हैं, लिक्विड डाइट, नो कार्ब डाइट, प्रोटीन डाइट्स, फलाना फलाना। पर दोस्तों, एक तो आप कम टाइम के लिए खाते हो और ऊपर से अगर आप अपनी डाइट सही नहीं लोगे तो आपको कैलोरी डेफिसिट हो जाएगा, जिससे आपको कमज़ोरी और थकान लगेगी। अगर मैं बात करूँ फीमेल्स की, तो दिन भर में अबाउट 1300 to 1800 कैलोरीज आपको लेनी चाहिए और मेल को 1800 to 2200 कैलोरीज आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। अगर आपको वेट लॉस करना ही है तो अबाउट मैक्स टू मैक्स 1000 कैलोरीज तक आप जा सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा ना जाएं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट ईट बिलो द बेसिक लेवल्स, ऑलवेज ईट अ बैलेंस्ड डाइट। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट मेथड टू लूज वेट, बट गाइस दिस इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन। बहुत लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सही नहीं है, जैसे अगर आप 18 साल से कम हैं या फिर 70 साल से ज़्यादा है।
ऐसे ही अगर आप किसी मेडिकेशन पर है जहां आपको 3 टाइम दवा लेनी होती है, या फिर आपको खाली पेट दवा लेनी होती है, या फिर अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, तब भी आप डॉक्टर की सलाह के बगैर इंटरमिटेंट फास्टिंग को शुरू ना करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड। आप पानी ले सकते हैं या फ्रूट जूस या किसी भी तरह की डिटॉक्स वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं, पर मेक श्योर ड्यूरिंग दिस फास्टिंग विंडो यू आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। एटलीस्ट दोस्तों आपको 60 से 8 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स टोटली अवॉइड करें, क्योंकि दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी अलाउड है, तो हम इसका ओवर कंजम्पशन कर लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये आपके हेल्थ पर गलत असर डालता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ वेरी पॉइजनस। किसी भी चीज़ का दोस्तों अधिक उपयोग या सेवन अक्सर नुकसानदायक बनता है। इसीलिए कोशिश करें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में भले ही ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी अलाउड है, तब भी आप इसका सेवन ज़्यादा ना करें। इसमें कैफीन होता है, जो आपके शरीर के लिए सही नहीं है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, फिर भी अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, बैड हैबिट्स अभी भी आपके उतने ही पुअर हैं, जैसे कि देर से सोना, देर से उठना, ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस ज़्यादा करना एक्सेट्रा, देन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप सच में वेट लॉस कर हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी सारी बुरी आदतों को क्विट करना होगा और एक अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। आपको एक प्रॉपर स्लीप लेनी होगी, टाइम पर खाना होगा, स्ट्रेस से दूर रहना होगा। इन शॉर्ट आपको अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग अकेले वेट लॉस में मदद नहीं कर पाएगा जब तक आप अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते। ये दोनों चीज़ें साइकिल के दो पहिए की तरह है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को दोस्तों आप वेट लॉस का क्विक फिक्स सॉल्यूशन ना माने, बल्कि इसे आप अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाएं और एक स्वस्थ शरीर पाएं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर आऊँ। सो प्लीज़ डू शो सम सपोर्ट गाइज, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।